ट्रैवल में एक दिक्कत है इस दैट की कोहरा. सो वी हैव रीच्ड अ प्लेस फाराका टाउनशिप होगा मोस्टली, आई एम जस्ट गेसिंग. इताहर, अरे इताहर सिटी का जंक्शन है. तो लेट्स सी. वेलकम टू नॉर्थ बंगाल. You feel like summer days to me. तो वो वाला जो अंदर अंदर से रास्ता था उससे निकल के अभी फिर से हाईवे पे ज्वाइन कर दिया है एंड आई फील सो गुड अगेन. क्योंकि पता है ये रास्ता बहुत लंबा है और मतलब अच्छा रोड्स पे है, तो लेट्स सी क्या होता है. तो गाइस ये जो रास्ता है ये सीधा जा रहा है हमारे शिलीगुड़ी तक, और बोतलबाड़ी वाला रास्ता नहीं लेना है जो मेरे को मेरे लोगों जान पहचान के लोगों ने कहा. तो आप भी वही चीज़ ना, आप चाहे ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ना इसी सीधा जाओ, लेकिन इधर उधर मत घूमो. क्या बात है गाइस, मतलब मज़ा आ गया. अच्छा गाड़ी चला हमें ना, स्कूटर चला के मज़ा आ रहा है, जो अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है. कितना प्यारा प्यारा सीनरी है यार, मतलब मन कर रहा है ना यहीं पे रह जाऊं मैं. इतना प्यारा रास्ता देखो, ओहो कितना प्यारा हाईवे बना है. मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, इस रूट में ना नॉर्थ के रास्ते आफ्टर फाराका रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट. लेकिन ऐसे चीज़ें आपको थोड़ी देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन रास्ते बहुत अच्छे हैं. बस उसके बाद मायापुर से लेके आपका जो कलकत्ता वाला रास्ता है तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, तो बाकी रास्ता को पता है यार. लेकिन इसका जो टारमैक है ना, जो एस्फॉल्ट है, बहुत ही स्मूथ है, ऐसा लग रहा है नया नया बना हुआ है. Yet somehow I know your history. Oh, come what may. शाम के 3:42 और राइट नाउ हम लोग डालखोला ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. ऑलमोस्ट डालखोला पहुंच चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग हाईवे. आई रियली लव द हाईवे. इतना प्यारा बनाया है, नया बनाया है तो नहीं बोलूंगा, बहुत सालों से बन रहा है ये. एंड इट्स टाइम टू एंटर बिहार, क्योंकि हाईवे ख़त्म होगा, बिहार एंटर करेंगे. एक पैच आ जाता है जो बिहार के अंदर जाता है, और वहाँ से पूर्णिया भी पास है, पूर्णिया एंड फिर जाएंगे 147 किलोमीटर्स टू गो. तो आप हिसाब मान के चलो 4 घंटे में हम लोगों ने करीब करीब 120-130 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली कर लिया है हम लोगों ने फ्रॉम माय स्टार्ट पॉइंट. देख रहे हो, सुनते नहीं है, हाथ दिखाया, रुक जा भाई, इधर से ये है उसको जाना है भाई, फॉर्चुनर लिया है ना. देख रहे हो WB74 का गाड़ी है, और एज यूजुअल देख रहा है कैसा कितना चला रहा है ये, मतलब अलग ही है भाई, अलग अलग नशा है, मतलब सस्ते नशे करते हैं ऐसे लोग. वेल ये वाला रास्ता नया देखने को मिल रहा है मेरे को. वेलकम टू बिहार बाय द वे गाइस. एंड यस बिहार स्टार्ट हो गया. अरे भाई तुम कट मत मार लेना अब. गाइस अब जब इस रास्ते पे आओगे ना, मतलब नए लोग जो आने चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से आना. मैं यही कहूँगा रास्ता वो देखो और एक मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब ये लोग ना यहाँ पर देखो रॉन्ग साइड पे कुछ भी गाड़ी आता रहेगा, कोई अपने मर्जी से क्रॉस कर लेगा. थोड़ा सावधानी जाना, क्योंकि ये चीज़ मैंने इस हाईवे पे बहुत देखा है. मतलब यार कंपेरेटिवली मैंने दो दूसरे हाईवे मैंने देखे हुए, वहाँ पे भी होता है लेकिन इतना नहीं होता जहाँ पे इतना यहाँ पे होता है. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब इट्स हाई टाइम कि बाईपास को इनक्लोज किया जाए, मतलब अंडर पासेस बनाया जाए, ना कि जंक्शन पॉइंट्स बनाया जाए, क्योंकि यार दिक्कत होती है यार इतना. वो देखो
अपना मर्जी से घुमा लेते कोई भी। और ये जो रखे हुए ना, इसमें कोई मार्किंग भी नहीं है, ऐसा नहीं कि यार थोड़ा लाइट वाइट लगा दे या इट इज़ ए रेड सिग्नल ब्लिंक कर लगा दे, मन मर्जी है सब अपना। सो गाइस, आ गए हम लोग पूर्णिया का मोर कहते हैं इसको, जो एटलीस्ट मैप तो यही बता रहा है। बिहार वेस्ट बंगाल, अरे यार क्या है, बिहार पास में ही है। शिलीगुड़ी 129 मोर, मेरे को यहाँ पे 129 क्यों दिखा रहा है भगवान जाने, आई थिंक वो 127 था या 29 था, जो भी है गुस्ताखी माफ। राइडर्स में देख रहा हूँ कि वापस जा रहे हैं, और ये मोर थोड़ा ध्यान से जब भी आओगे, ये मोर स्पेसिफिकली थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है थोड़ा रास्ता ज़्यादा ही ख़राब है, जैसे आप देख सकते हो। और एक बार तो गड्ढा इतना गहरा हो गया था बारिश के टाइम कि एक गाड़ी ही घुस गया था उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने देखा था ये चीज़। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ऑफ रोडिंग करा रहे हो यार, लद्दाख का याद आ रहा है। तो भाई जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पैच थोड़ा ख़राब है, ये मोड़ के बाद लास्ट टाइम भी था, अभी था, अभी तक इन्होंने ये चीज़ रिपेयर नहीं की है, जो कि सबसे गुस्से वाली बात है। अरे भाई फिर तो, अरे तेरी, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना कि यार क्यों ठीक नहीं करता यार, एक ही तो चीज़ है, और मतलब क्या ही तो है यार, देख रहे हो पूरा ख़राब करके रखा है पूरा सीन। अरे ग्रेवल्स भरे हुए हैं यहाँ पे, लिटरली ग्रेवल्स भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। ओह भाई, ये रास्ता बहुत ही चैलेंजिंग थोड़ा है, उतना भी नहीं है लेकिन है, मेरे लिए तो चैलेंजिंग है भाई, जो सच है मैं वही बोलूँगा। और भाई बहुत से लोग, बहुत से टूरिस्ट लोग मैं देख रहा हूँ वापस आ रहे हैं, शायद 31st घर पे बिताएंगे, लेकिन अच्छा है, हॉलीडे टाइम है। अभी होटल मिल रहा है ना मिल रहा है, एक अलग ही डिग्री हो गया है अभी तो। ओ भाई, एक क्या हो गया भाई तुमको, क्या हो गया, तो ओवरटेक करने वाला था ये। सो गाइज, राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग इस्लामपुर, यहाँ से 104 किलोमीटर्स और है, अब देख सकते किशनगंज और एक, अच्छा ओके, इस्लामपुर क्रॉस करके हम लोग किशनगंज आ गए, दैट्स ग्रेट। किशनगंज बाय द वे इज इन बिहार, और जो भाई साहब मिले थे मेरे को बीच में वो यहीं से थे, 1 किलोमीटर इस्लामपुर, 30 किलोमीटर, ओके इस्लामपुर अभी तक आया नहीं है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। शिलीगुड़ी इस नियर, कल निकलेंगे पहाड़ों की तलाशों में, देखता हूँ अगर मैं अपने कुछ साथियों को जुगाड़ कर पाता हूँ जाने के लिए, दोस्तों को, मित्र को, नहीं होता तो अकेले ही निकलेंगे फिर। भाई हालत देखो, क्या हालत हो गया है, मतलब जिंदगी के अलग ही हाल हो गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। भाई ऐसा रास्ता ना मेरे को लद्दाख में दिखे जाए था तब भी मैं मान लेता, लेकिन यार ये बिहार बंगाल के बॉर्डर पे कहाँ फंस गया मैं। ओ भाई साहब, ओ भाई, अभी चाय पी रहे हैं, मेरे को पता नहीं, मतलब अनलोइंगली मैं यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, इतना वैरायटी को चीज़ें है ना, मीठा है, भुजिया है, नमकीन है, सब कुछ है, और मैं मतलब फॉर्चुनेटली यहीं पे रुका, और माय टेबल मैं कोई चौहान स्वीट्स, प्योर वेज, नो अनियन नो गार्लिक लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, और देख के जो नमकीन देख रहा था ना, इतना लजीज लग रहा था, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। चाय के चुस्की लगाते हैं फिर, तो चाय की चुस्की लगा रहे हैं, और शाम हो गई है ऑलमोस्ट, बज रहे हैं अभी 5:03, और अच्छा लग रहा है, अभी मैं दूसरा चीज़ ट्राई करूँ, क्योंकि आ गया हूँ जब ट्राई करके जाता हूँ, और देखता है। सो गाइस, मैंने अभी थोड़ा समोसे, एक समोसा और थोड़ा बूंदिया, मीठा वाला बूंदिया लिया है, गरम गरम है, खा के देखता हूँ कैसा लगता है। मेरे को पेट्रोल पम्प नहीं मिल रहा था, रात का टाइम था ना, तो थोड़ा, और ऐसा रास्ता हो तो हाईवे हो तो मिल गया, फॉर गॉड सेक खींच दे इसने, गुड जॉब रेड किंग। चलते हैं शिलीगुड़ी, जस्ट 82 किलोमीटर, एक घंटा 40 मिनट, कैसे बता नहीं यार, देखते हैं आपको, चलते हैं। सो गाइस, ये इस्लामपुर बाईपास
शायद ये उस तरफ इस्लामपुर जा रहा था और ये शायद इस्लामपुर को बाईपास करता है। देखो लाइट थोड़ी देर के लिए, क्या अच्छा लाइट मिल गया, अरे आगे तो लाइट ही नहीं है। चलो कम से कम फॉगलाइट से काम तो आ रहा है। सिलीगुड़ी से ड्राइव कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग नाइट लाइट स्पेशली? मैं इसलिए इतने बड़े बड़े लाइट लगाता हूँ ना कि दिख जाए मेरे को, जो सामने वाला जो आता है ना इतना बड़ा बड़ा लाइट, स्पेशली ट्रक में जो हैलोजन होते हैं वो दिखता ही नहीं है। तो क्या होता है, आई यूज इट एज अ नेगोशिएशन टूल। अब देखो ना, कोई भी गाड़ी कुछ भी आएगा, अब उसको टप्पर मारोगे तो यू कैन ऑफर हिम टू क्लोज हिज हाई बीम। तो अगर वो अपना हाई बीम बंद करता है तो आप अपने बंद कर दो, सिंपल फैक्ट। तो ऐसे टूल्स यूज़ होना चाहिए, मतलब रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप किसी के सामने के खड़ा है उसके सामने उसके मुंह पे मार दिया। सिलीगुड़ी जस्ट घुसने से पहले ही ना एक ख़राब पैच आया अराउंड 30 किलोमीटर्स आगे, 40-50 किलोमीटर्स पहले गए, ठीक है। रास्ते इतना मक्खन चल रहा था, ख़राब पैच आया था और मतलब बहुत ही ख़राब पैच था। तो आप लोग आओगे तो थोड़ा सावधानी से आना, ठीक है, थोड़ा देख लेना, क्योंकि मेरे को तो दिख गया था पहले, मैंने उसी अकॉर्डिंग मैंने ब्रेकिंग कर लिया। अचानक से ब्रेकिंग करोगे तो खिसक जाओगे आप लोग, मतलब स्किड हो जाओगे। अरे 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 ये क्या है, आगे क्या है ये, अरे अरे ये, ओ ये देखो ऐसे ऐसे अब ये स्विच प्रॉब्लम कर रहा है। जाके थोड़ा WD-40 मारूंगा, अगर नहीं होता है तो फिर स्विच चेंज। एक के बाद एक दिमाग कहता ही दार्जिलिंग पुलिस, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ओके कांग्रेचुलेशंस टू अस, वी हैव फाइनली रीच सिलीगुड़ी। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को सिलीगुड़ी आके, इतना मज़ा आ रहा है ना मेरे को बहुत दिनों बाद। इस बार मैं बड़ा फिट एंड फाइन आया हूँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक गॉड फॉर सेंडिंग मी ओवर हियर इन गुड कंडीशन। तो यस इट्स ग्रेट, बट मेरे को अभी राजेश जो हमारा ग्रुप का सिलीगुड़ी एडमिन है वो मेरे को लोकेशन भेजा है कहाँ पे आना है। इट्स नियर टू बागडोगरा, इट्स अ प्लेस कॉल्ड शिव मंदिर। सो जाता हूँ मैं वहाँ पे, तो ताकि देख से बात करता हूँ। वो कह रहा था कि बागडोगरा पे रहने पे इट विल बी चीपर फॉर मी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो मैं देखता हूँ कि मैं सिलीगुड़ी में जाना जा रहा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नाइट लाइफ भी होगा, तो आराम से जाके थोड़ा चिल आउट कर सकते हैं उसके साथ, तो बातें भी करना है बहुत सारे। तो लेट्स सी What's right or sin, but as you stand before me, I give in. Picture frames, lavender and pain, they all live here. Within this romance, I get the chance to stop the run and be the lucky one. Okay. तो अभी डिसाइड हुआ कि यहाँ पे थोड़ा बैठ के चाय वाय पीते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं, है ना। तो दैट साउंड्स गुड टू मी। हेलो गाइस, तो मैं अभी पहुँच गया हूँ सिलीगुड़ी नहीं बागडोगरा पहुँचा हूँ। तो ये है राजेश भाई, इधर आओ राजेश भाई। हेलो एवरीवन, ही इज़ फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से कोई देख रहा है तो प्लीज़, अगर आप स्कूटर राइडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो जो हमारा बीजी के नॉर्थ बंगाल है, टू कॉन्टैक्ट हिम। मैं इनका नंबर दे दूंगा, कोई से भी नंबर या कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी दे दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। और ही इज़ द एडमिन फॉर द होल नॉर्थ बंगाल, ठीक है, फ्रॉम फाराक्का
टिल नॉर्थ बंगाल फ्रॉम गैंगटॉक सिक्किम, यू कैन ज्वाइन हिम। हमारा रेगुलर राइड्स अभी होना स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी करेंगे, है ना भाई? हाँ। तो भाई आप अपना कुछ डिटेल्स देना चाहोगे, कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ? मेरा डिटेल्स एक्चुअली है बागडोगरा, लोकेशन है बागडोगरा, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है, और वो तो डिटेल्स सब वो दे देगा उस पर। हाँ मैं दे दूंगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो यार, हमारे तरह जैसे हम लोग राइड करते हैं ना, आप भी हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करो। बहुत लोग इंस्टाग्राम पर बोलते रहते हैं कि यार कैसे ज्वाइन करना, तो नॉर्थ बंगाल हियर इट इज। दूसरे मेम्बर से मिलना है, मैं देखता हूँ होटल देखता हूँ, GoPro चार्ज करता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। Just tell me I belong. तो आप लोगों ने जो देखा, ये होटल गोल्डन लीफ पे हम लोग स्टे कर रहे थे, मतलब कर रहा हूँ अभी भी, तो मैं राजेश कह रहा हूँ चप्पल लेना है मेरे को और थोड़ा कहीं चिल आउट करने के लिए जा रहा हूँ, तो लेट्स सी। सो गाइस, दिस इज हांगकांग मार्केट, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ इंडिया और एशिया आई वुड से, एंड मज़ा आ रहा है। कुछ चप्पल लेना है, चप्पल लेते हैं यार। सो गाइस, अभी हांगकांग मार्केट गए थे, वहाँ पे यार बहुत महंगी चीज़ें पहले सस्ती हुआ करती थी, तो इमरजेंसी में लेना पड़ा चप्पल, क्योंकि मैंने लाया नहीं और घर वाला चप्पल भी ख़राब हो रहा है, तो थोड़ा अच्छा ही ले लेता हूँ। मैंने सस्ता वाले सस्ते जुगाड़ क्रॉक्स, ये देखो ये मेरे क्रॉक्स मैंने ले लिए, रंगी रंग बिरंगी। आई एम बैक टू माई होटल, और हम लोग कैफे में गए, इन्जॉय किया और खाना वाना खाया, अभी आ गया है होटल में और चार्जिंग कर रहे सब कुछ, और कल निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए वाया मिरिक। नेक्स्ट एपिसोड देखना ज़रूर, कैसा लगा आपको बताना हमें कमेंट सेक्शन में, और वॉइस क्वालिटी कैसा रहा वो भी बताना हमें, और बस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आपको अपडेट चाहिए, मैं डालता रहता हूँ। बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग, एके टुमारो।